हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकर्षित। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि पहली वीडियो आने में इतना टाइम लग गया, बट आई एश्योर यू आगे से वीडियोस टाइमली आया करेंगी। अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये डिले हुआ जो मेरे कंट्रोल में नहीं था, बट आई एश्योर यू आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इतना रेगुलर हो सके उतना रेगुलर रहें हम और ये क्रैश कोर्स एज अर्ली एज पॉसिबल हम कम्प्लीट करें। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर। पहला लेक्चर क्लाइमेट चेंज पर है और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दो क्लासेस में क्लाइमेट चेंज कवर कर लूँ और उसके बाद आई विल टेक वन क्लास जिसमें मैं जितने भी MCQs बन सकते हैं करंट में या स्टैटिक पार्ट में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, आई विल कवर दोज MCQs। इससे आपका टॉपिक एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला न्यूज़ है 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो वॉट IPCC इज। IPCC इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज सेटअप इन 1988 बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये प्योरली रिसर्च बॉडी है, ये खुद से कोई एक्शन कभी नहीं लेती है। IPCC सिर्फ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है एंड बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस और उनके मेंबर कंट्रीज वो अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। वन मोर थिंग, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इन नोट्स में मेंशन नहीं हो पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो बेटर कि आप जब भी ये वीडियोस देखें पेन और एक नोटबुक अपने पास रखें सो दैट जब भी मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करूं जो इन नोट्स में मेंशन नहीं है, तो प्लीज़ आप उन्हें नोट कीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। IPCC तीन तरह की रिपोर्ट्स बनाती है, असेसमेंट रिपोर्ट्स, मेथोडोलॉजी रिपोर्ट्स और स्पेशल रिपोर्ट्स। इन द ईयर 1990 IPCC ने अपनी फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की थी। एक्चुअली इन 1980s इट वॉज एविडेंट कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट क्लाइमेट चेंज के होने के पीछे बहुत ही वैलिड ओपिनियंस। एक स्कूल ऑफ स्कॉलर्स ये कह रहा था कि क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है और दूसरा स्कूल ऑफ स्कॉलर्स ये कह रहा था कि क्लाइमेट चेंज जो है एक नेचुरल फिनोमेना है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है और पास्ट में भी ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज फिनोमेना विटनेस किए जा चुके हैं। हाउएवर अपनी फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट में IPCC क्लियरली मेंशन दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग एंड दिस क्लाइमेट चेंज विद 95% प्रोबेबिलिटी इज इंड्यूस्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली एंड मेजरली बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और फिर IPCC रेगुलरली असेसमेंट रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और मेथोडोलॉजी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती आ रही जिन्हें बहुत सारी मेंबर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पॉलिसी मेकिंग में यूज़ करते हैं। तो अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं। 6th असेसमेंट रिपोर्ट के तीन पार्ट रिलीज हो चुके हैं। पार्ट वन वॉज इन 2021, पार्ट टू गॉट रिलीज इन 2022, थर्ड एज वेल इन 2022 और फाइनली इन 2023 सिंथेसिस रिपोर्ट IPCC ने रिलीज़ की है जिसमें IPCC रिपोर्ट वन, रिपोर्ट टू, रिपोर्ट थ्री तीनों को इंटीग्रेट करके फाइंडिंग्स को रिलीज करती है। 6th असेसमेंट रिपोर्ट के पार्ट वन और पार्ट टू में IPCC क्लियरली मेंशन्ड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग एंड एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाय 1.09 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड ऑफ विच 1.07 डिग्री सेल्सियस इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। और अगर इसी पेस से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते रहे तो बाय 2040 the average global temperature would be 1.5 degree Celsius above pre-industrial level. और third part of 6th assessment report में IPCC mentions कि हम कैसे Paris Agreement के targets को attain कर सकते हैं which is to limit global warming to 1.5 degree Celsius above pre-industrial level. और इसके लिए IPCC ने अपनी report में 8 pathways का mention किया है। Example कि अगर हमें global average temperature को 1.5 degree Celsius से ऊपर जाने ही नहीं देना तो हमें बाय 2025 अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स को पीक करना पड़ेगा। बाय 2030 हमें उन्हें 43% से रिड्यूस करना पड़ेगा। वी हैव टू रिड्यूस मिथेन एमिशन्स बाय 34% टिल 2030 एंड फाइनली वी नीड टू अटेन नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन्स इन अर्ली 2050s। नाउ व्हाट डज नेट जीरो मीन? नेट जीरो मीन्स वी हैव टू रिड्यूस अवर ग्रीन हाउस गैस एमिशन्स टू नियरली जीरो और अगर उसके बाद भी कुछ एमिशन्स रहती हैं तो दे हैव टू बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम एटमोसफेयर इन टू ओशंस एंड फॉरेस्ट। सो एज अ रिजल्ट टोटल एमिशंस इन द एंड वुड बी जीरो। अनदर वे जो IPCC की रिपोर्ट ने मैंशन किया कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर पर लिमिट करें और उसके बाद उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ले आएँ एज पर पेरिस एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमें 2025 पर पीक करना पड़ेगा और अपनी एमिशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा बाई 27% टिल 2030, अगेन अचीव नेट जीरो बाई 2070। एंड फाइनली अगर चीज़ें इसी पेस पर चलती रहें, एमिशंस इसी पेस पर चलते रहे तो बाई 2100 एवरेज टेम्परेचर वुड इंक्रीज बाई 3.2 डिग्री सेल्सियस।
नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स से सीधा सवाल यहाँ से आ सकता है कि कौन सा सेक्टर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बिगेस्ट शेयर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में है वो एनर्जी सप्लाई सेक्टर का है, एंड इट्स फॉलोड बाई इंडस्ट्री, फॉलोड बाई एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड अदर लैंड यूज, एंड देन बाई ट्रांसपोर्ट। नाउ आई प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस रिपोर्ट, अगेन आई प्रॉमिस्ड यू कि जब ये भी क्लाइमेट चेंज का खत्म हो जाता है टॉपिक तो विल डिस्कस लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो अभी के लिए दिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू 15 सेकेंड्स, आप ये क्वेश्चन देखें और आंसर कीजिए, देन आई विल डिस्कस। ओके, आई बिलीव बहुत सारों ने ये सवाल ठीक कर दिया होगा। द फर्स्ट स्टेटमेंट इट रीड्स इज एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ड्यूरिंग 2010 टू 19 वर हायर देन एनी प्रीवियस डेकेड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन दिस डेकेड दे वर द हाईएस्ट एवर। सेकेंड स्टेटमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एमिशंस इंक्रीज इन दिस डेकेड विज अ वी प्रीवियस डेकेड। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Actually, the rate of growth of emissions, they have decreased, not increased in this decade. Average annual emissions increased kiye hain. But the rate at which these emissions have increased, wo rate decreased kiye hain. So, hamara answer aa jayega only one. Ab hum next news par aate hain. It's about methane emissions. First of all, we need to know certain things about methane. Methane is a colorless, odorless gas. It's a short-lived gas. Iska lifespan sirf 18 to 20 years hota hai. कुछ बुक्स में आपको 15 टू 20 ईयर्स भी मिलेगा, बट इट्स अ शॉर्ट लिव्ड गैस। हाउएवर इसका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल इज हाई, इट इज़ ऑलमोस्ट 80 टाइम्स CO2। नाउ व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल? ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ गैस इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सेम क्वांटिटी ऑफ CO2 एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। जैसे कि अगर एक मोल ऑफ CO2 यानी 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब कर रही है 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, तो एक मोल ऑफ मीथेन अब्सॉर्ब करेगी अराउंड 800 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। तो इसका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल इज 80 टाइम्स दैट ऑफ CO2। देन मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड हाफ ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैड ओजोन। अगर हम सोर्सेज ऑफ मीथेन की बात करें तो वेटलैंड सबसे बड़े सोर्सेज हैं मीथेन एमिशन के, फॉलोड बाय फॉसिल फ्यूल्स, देन लाइव स्टॉक, देन फॉलोड बाय लैंडफिल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। जबकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मीथेन एमिशंस के सबसे बड़े सोर्सेज जो हैं वो हैं कैटल और राइस फील्ड्स। नाउ देयर आर 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल। दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और ये ऑर्डर जो मैंने आपको बताया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फ्रॉम लोएस्ट टू हाइएस्ट। नाउ कमिंग टू ग्लोबल मीथेन प्लेज, UNFCCC COP21 जो ग्लासगो शहर में हुई थी उसमें मोर देन 100 कंट्रीज केम टुगेदर एंड फॉर्मड अ ग्रुपिंग कॉल्ड ग्लोबल मीथेन प्लेज। दिस कंट्रीज डिसाइडेड टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस बाय 30% बिलो 2020 लेवल्स बाय 2030 और मोर देन 45% ग्लोबल मीथेन एमिशंस दे केम फ्रॉम दिस कंट्रीज। हाउएवर इंडिया डिडंट जॉइन इट, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया क्योंकि इंडिया में मेजर मीथेन का एमिशन राइस फील्ड्स और कैटल है, तो फॉर दैट वेरी रीजन इंडिया कैन नॉट प्लेज समथिंग लाइक दैट। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज के टारगेट्स को एसेस करने के लिए देर वॉज ए रिपोर्ट विच वॉज रिलीज बाई क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कलिशन CCAC एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। द रिपोर्ट इज कॉल्ड ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट। जैसे कि हमने देखा कि मीथेन के बहुत सारे सोर्सेज हैं और ग्लोबल मीथेन प्लेज इट एम्स टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस बाई 30% बाई 2030। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज हैज़ पार्टनर विद मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, वन सच इज इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी और इसका भी एम है टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सेक्टर। IMEO इज एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड इट इज़ एन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज। बस इतना ही जानना है आपको इसके बारे में। NASA's एमिट मिशन ये एक वन लाइनर की फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ टू आइडेंटिफाई द सुपर एमिटर्स ऑफ CH4 which is methane. Next topic is ocean acidification. Now, although the pH of oceans is more than 8, it's around 8.1, but still, as more and more CO2 gets absorbed by the oceans, the oceans ka jo pH hai, wo reduce ho raha hai. Abhi ke liye, they are still basic,
The pH is around 8.1, but since the pH is falling, we call it ocean acidification. अभी ocean acidification होती कैसे है? Normal times में ocean में CO3 2 negative, यानी carbonate ions, they are in abundant quantity. और ये carbonate ions जो हैं, marine animals इनको use करते हैं to form shells. As concentration of carbon dioxide in atmosphere increases, तो absorption of carbon dioxide by oceans also increases. और जब carbon dioxide पानी में घुलता है तो दे फॉर्म ए वीक एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड जो कि बहुत इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाता है H प्लस आयन और HCO3 नेगेटिव आयन्स में. नाउ HCO3 नेगेटिव आयन्स जो हैं दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय मरीन एनिमल्स. और फर्दर जो ये H पॉजिटिव आयन्स हैं जो सी वाटर में ओशंस में कार्बोनेट आयन्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं ये उनसे कंबाइन करके अगेन HCO3 नेगेटिव बना देता है. तो एज सच तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन्स जो है इन सी वाटर और ओशंस वो डिक्रीज करती है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 नेगेटिव इंक्रीज करती है और इस HCO3 नेगेटिव को मरीन एनिमल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. तो एज सच विद द ओशियन एसिडिफिकेशन जो मरीन एनिमल्स के शेल्स जो हैं वो थिनर होते जाते हैं, मरीन एनिमल्स का साइज डिक्रीज होता जाता है और कुछ मरीन एनिमल्स एक्सटिंक्शन तक भी पहुँच चुके हैं. नाउ देयर इज अ रिपोर्ट विच सेज दैट ocean acidification is increasing 3 to 4 times in Arctic Ocean. And the reason for this increase in acidity is Arctic amplification. Now, what is Arctic amplification? There are many reasons for Arctic amplification. First, Arctic jo hai, ye land se surrounded hai, the land of Europe, Asia, North America. Is wajah se, kyunki specific heat capacity of water jo hai, wo zyada hoti hai land se, to Arctic ki heating jo from land of Europe, Asia and North America वो faster होती है which is not in the case of Antarctic. Secondly, global warming is evident. हम already ये देख चुके हैं कि there is 1.09 degree Celsius increase in global temperature and this global warming has caused the melting of ice in Arctic. And as a result, albedo effect at Arctic decreases और ये feedback loop बन जाता है. As such, Arctic is absorbing more and more heat. And finally, the ocean water below Arctic is dark and it has very low albedo. And as such, temperature at Arctic has increased at greater pace and this phenomenon is called Arctic amplification. Now, there is a term called zombie ice or doomed ice. So, zombie ice or doomed ice, kya hota hai? At higher latitudes above Arctic Circle, hume pata hai ki it's mostly frozen. But certain sheets of ice, they do melt in summers and again they refreeze in winters. बट पिछले कुछ टाइम से ये विटनेस किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड में और बाकी के आर्कटिक रीजन में जो आइस समर्स में मेल्ट होती है वो विंटर में रीफ्रीज नहीं होती है. और ये आइस जो कम्प्लीटली रीफ्रीज नहीं होती है इसे ज़ोंबी आइस कहते हैं. एंड दिस ज़ोंबी आइस कैन रेज ओशन लेवल बट 10 इंचेस. एंड नाउ दैट कि हमने आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा तो हम साथ ही में आर्कटिक काउंसिल के मेम्बर नेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये रीजन जो आर्कटिक सर्कल के अबोव जो रीजन है उसको हम आर्कटिक रीजन कहते हैं और उसमें 8 कंट्रीज़ की टेरिटरीज आती हैं. वो 8 कंट्रीज़ हैं कनाडा, फिर है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क की टेरिटरी है, देन आइसलैंड, देन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया एंड फाइनली USA का अलास्का. सो दीज आर द 8 कंट्रीज़ ऑफ आर्कटिक रीजन एंड दे आर द मेम्बर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल. इंडिया इज एन ऑब्जर्वर इन द आर्कटिक काउंसिल. इसके साथ ही आर्कटिक में हमारा एक रिसर्च स्टेशन है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं. तो अगर इसका लोकेशन एग्जाम में पूछा जाता है तो इट्स एट स्वालबार्ड, नॉर्वे. अगेन इंडिया हैज़ एन अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन, इट्स कॉल्ड इंडार्क. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. इन द ईयर 2022 स्टॉकहोम प्लस 50 कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज एट स्टॉकहोम. इट वॉज टू सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. Now, Stockholm Conference is one of the most important conferences because it was one of the first conferences where environment and environment-related issues were discussed at global level. Environment became the part of global agenda. Ek baat yaad rakhein, the only major convention which took place before Stockholm was Ramsar Convention. It took place in 1971, whereas Stockholm Conference took place in 1972. So, let's look at the events which resulted in the Stockholm Conference of 1972. 1950s mein, after London smog or Los Angeles smog, there was more focus towards the conservation of environment. Meanwhile, 1960s mein, there was a book which got released known as Silent Spring,
The Silent Spring mostly dealt with the biomagnification of DDT. The overexposure of DDT in United States had resulted into the biomagnification and bioaccumulation of DDT. तो बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन की वजह से डीडीटी फूड चेन का पार्ट बन गई थी. फाइनली इन सब के बैकग्राउंड में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कस्ड क्लाइमेट चेंज यूजिंग साइंटिफिक एविडेंस. और ड्यूरिंग दिस मीटिंग स्वीडन प्रपोज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. और बाद में 1972 में जाकर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन स्वीडन. द मेन फोकस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वॉज वेदर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कैन गो हैंड इन हैंड और नॉट. और यहाँ इट वॉज रिकोगनाइज येस दे कैन गो हैंड इन हैंड. एंड फाइनली दिस लेटर इवॉल्व इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हाउएवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टर्म एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी वो ब्रंटलैंड कमीशन में की गई थी. द टर्म वॉज नॉट यूज हेयर बट द ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी ट्रेस टू स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स दैट एक तो पहली बार इन्वायरमेंट के बारे में इतनी बड़ी ग्लोबल लेवल पे मीट हुआ. सेकेंडली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वॉज एन आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. एंड फाइनली देर आर मेनी प्रिंसिपल्स विच वर बॉर्न आउट ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो आज भी प्रैक्टिस किए जाते हैं. जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट यूज एनीथिंग अनटिल इट्स प्रूवन दैट इट्स सेफ. इससे पहले वी ह्यूमन बींग्स यूज टू यूज थिंग्स अनटिल इट वॉज प्रूवन दैट दे आर अनसेफ. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज स्टिल part of many climate negotiation. And finally, United Nations Environment Program, which was formed at Stockholm Conference, was recognized as the nodal agency for all the environment related programs at United Nations. After that, Stockholm Plus 10 took place. Wo Nairobi mein hua, but that's not important. And finally, Stockholm Plus 20, jise hum Rio Declaration bhi kehte hain, Earth Summit bhi kehte hain, UNCED bhi kehte hain. Rio Declaration is a topic that would be discussed in detail on some other day. अभी के लिए दिस इज ऑल अबाउट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज अ प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड अ प्रोटोकॉल. नाउ कन्वेंशन इज अ ब्रॉडर ग्रुपिंग ऑफ लाइक माइंडेड मेंबर्स हु आर रेडी टू वर्क टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक कॉज. जैसे UNFCCC जहाँ पे वेरियस लाइक माइंडेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर टू फाइट क्लाइमेट चेंज. सेम गोज विद रामसर कन्वेंशन जहाँ पे इट इज़ फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन. प्रोटोकॉल इज लाइक मच मोर डिटेल सेट्स ऑफ टारगेट्स कि क्या टारगेट्स हैं हमारे, उन टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, कितने टाइम में करना है. इट्स मोर डिटेल्ड मोर स्ट्रिक्ट जिसके बेसिस पे पूरी प्लानिंग और पूरी इम्प्लीमेंटेशन होती है. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वॉज अ प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन. नाउ थोड़ी बातें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रिलेटेड. इट इज़ वन ऑफ द रेयर ट्रीटीज जिसकी यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है. India too is a party. 1992 mein India became a party to Montreal Protocol. The aim of the Montreal Protocol is to cut 99% of ozone depleting substances. Now let's see what's ozone and what's ozone depleting substances. Ozone, it's an allotrope of oxygen. Allotropes, aap samajhte hain. Allotropes are like they're different forms of the same element, jinki chemical properties same hoti hain but physical properties different hoti hain. So 90% of ozone in the atmosphere is in stratosphere. ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेस. अब यूवी रेस के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको. यूवी रेस तीन टाइप की होती है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी. नाउ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ दैट कैन बी ए क्वेश्चन इन द एग्जाम. तो यूवी जो सी होती है सबसे कम वेवलेंथ जो होती है यूवी सी की होती है. तो ऑब्वियसली अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी. यूँ तो यूवी सी सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि फ्रिक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है बट इट नेवर रीचेज अर्थ. इट इज़ अब्जॉर्ब एट स्ट्रेटोस्फेयर इटसेल्फ. और जो भी यूवी रेस अर्थ तक पहुंचते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो शेयर होता है वो यूवी ए का होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट 95%. वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वी सी दैट वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. इट इज़ यूवी बी विच इज़ रिलेटेड टू विटामिन डी प्रोडक्शन इन आवर बॉडी. नाउ कमिंग टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स कहते हैं, जो ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं. तो एज ए रिजल्ट स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन फॉर्मेशन के दौरान ओजोन का शेयर जो है वो फॉल करेगा और ऑक्सीजन का शेयर इंक्रीज कर जाता है जिसे हम थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं और ओजोन डिप्लीशन भी कहते हैं. देर आर थ्री ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स जो हैं क्लोरीन एटम्स, ब्रोमीन एटम्स और नाइट्रस ऑक्साइड. ये हमें नेचर में नहीं मिलते हैं.
वी गेट देम फ्रॉम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलॉन्स एट्सेट्रा. सो दिस इज द रिएक्शन. क्लोरीन रिएक्ट्स विद ओजोन और एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें टू क्लोरीन एटम्स और साथ में टू ऑक्सीजन एटम्स. नाउ ईच ऑफ दिस क्लोरीन एटम्स इज कैपेबल ऑफ रिलीजिंग थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन. सो एज अ रिजल्ट ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी और इसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन और थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इट कॉल्ड फॉर रिप्लेसिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. हाउएवर बाई 2010 इट वॉज रियलाइज दैट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स दे आर ग्रीन हाउस गैसेज. सो इन 2016 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ब्रॉट इन किगाली अमेंडमेंट और किगाली अमेंडमेंट ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस किया हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन से. सो एज अ रिजल्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स बोथ विद द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एज वेल एज ग्रीन हाउस गैसेज. सो बेस्ड ऑन किगाली अमेंडमेंट इंडिया को अपने HFC एमिशंस जो है 15% रिड्यूस करने हैं टिल 2047 बेस्ड ऑन 2024-2026 लेवल्स और इंडिया हैज़ टू स्टार्ट दिस फेस डाउन बाई 2028 तक वी कैन यूज HFCs इन द वे वी आर यूजिंग. सो नेक्स्ट इज व्हाई ओजोन डिप्लीशन इज फास्टर ओवर एंटार्क्टिका. आंसर इज सिंपल. एंटार्क्टिका का जो लैंड एरिया है इट इज़ लार्जर एंड इज सराउंडेड बाई वाटर. एज सच विंटर्स बहुत कोल्ड होते हैं और बहुत सीवियर होते हैं एंटार्क्टिका में, जिसकी वजह से पोलर वोटेक्स जो एंटार्क्टिका में है इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और फिर जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो उस पोलर वोटेक्स में इंट्रैप्ट रहते हैं दे स्टे हियर फॉर लॉन्गर टाइम. नाउ एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स फर्दर इन विंटर्स देर इज एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर ड्राई क्लाउड्स फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर इन पोलर रीजन्स. दीज क्लाउड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन नॉर्मल लैटिट्यूड्स बट इन पोलर एरियाज दे आर मच स्ट्रॉन्गर. And these clouds act as a catalyst and as a result there is a rapid depletion of ozone at Antarctica. With this, ये lecture हम conclude करते हैं अभी. I hope आप सबको ये समझ आया होगा और आप लोग ये notes download भी कर सकते हैं. इसका link मैं अभी video के साथ attach कर दूंगा. हमारा telegram channel है, telegram channel से आप notes download कर सकते हैं. और इसके अलावा if you need anything else आप लोग मुझे telegram channel पर message कर सकते हैं. I'll be happy to answer you all. So thank you. For listening to me, till then next video mein.